मोहम्मद सिद्दीक नहीं है मेरा नाम, ये मेरा दोस्त का है अकाउंट। और तुम जितना छन्नाल जैसा हंस रहे थे ना, भाग गया करके, मेरा नेटवर्क गया था। अल्लाह ने तुम्हारा इंटरनेट खत्म कर दिया ना, उसने कहा कि तुम तो यहाँ पे मर जाओगे, तो उसने पहले तुम्हारी बेइज्जती होने से बचा लिया, तुम फिर आगे कुत्तों की तरह, सुन अब तो सुन मरोगे। अच्छा सुन सुन ये सुन, ओम बुड़ बुआ स्वाहा, तड़सवी तुड़ वड़े दनम भड़गो देवस जो यार इसका प्रचोदय। मतलब हम बात और की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो समर्थन करते हैं, उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इस्लाम अपने आप को प्यार और शांति भरा दीन कहलाने की कोशिश करता है, पर दुनिया का सबसे वाहियात मजहब यही है। बेसिर पैर की बातें, कत्ल और कताल से भरा यह मजहब हमेशा पूरी दुनिया के नाक में दम करता रहा है। इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ नफरत ही बांटते हैं। हिंदू नाम रखे आ रहे बार बार, हिंदू नाम नहीं रखा भाई, हिंदू ही है मैं। यार तुम्हारा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, तुम हिंदू कैसे? मोहम्मद सिद्दीक नहीं है मेरा नाम, ये मेरा दोस्त का है अकाउंट। और तुम जितना छिन्नाल जैसा हंस रहे थे ना, भाग गया करके, मेरा नेटवर्क गया था। और ये सुन छिन्नाल, ओम बुड़ बुआ स्वाहा, अल्लाह ने तुम्हारा इंटरनेट खत्म कर दिया ना, उसने कहा कि तुम तो यहाँ पे मर जाओगे, तो उसने पहले तुम्हारी बेइज्जती होने से बचा लिया, तुम फिर आगे कुत्तों की तरह, सुन अब तो सुन मरोगे। सुन सुन ये सुन, ओम बुड़ बुआ स्वाहा, अच्छा तड़सवी तुड़ वड़े दनम भड़गो देवस जो यार प्रचोदय। नहीं सुन सुन, तुम इतना छिन्नाल हो जैसा हंस रहे। दोस्तों आपने इससे पहले ऐसा गायत्री मंत्र सुना है? ये मुल्ला जलते हुए तवे पर बैठा है और गायत्री मंत्र पढ़ रहा है। तू चुप, तू इतना छिन्नाल जैसा हंस रहे थे ना, भाग गया करके, नेटवर्क गया था मेरा। और मेरे इतना बोल रहा, तुम शिर्क क्यों कर रहे हो ना, तुम शिर्क क्यों कर रहे हो? इस्लाम हाँ साली इंतकाम के दिल, क्या इस्लाम कैसे अच्छा है वो बता दो। इस्लाम कैसे अच्छा है मतलब? हाँ तुम सारे लोग ये क्यों कर रहे हो ना, तुम उसके बारे में बुराई क्यों कर रहे हो ना, तुम बुराई क्यों कर रहे हो? इस्लाम क्यों बाकी धर्मों के बारे में बुराई करते हो? इस्लाम ने कब किया बुराई? इस्लाम ने बुराई किया, इस्लाम कहता है कि ये लोग झूठे हैं जो कहते हैं कि ईसा जो है वो इब्न अल्लाह है, ये लोग झूठे हैं जो ईसा को अल्लाह कहते हैं, तो ये तो इस्लाम कहता है ना। क्यों कहता है? दूसरों के धर्मों में उंगल क्यों देता है? उसमें भी कुछ रियलिटी रहेगी ना उसमें भाई। हाँ कैसे रियलिटी रहेगी? आपने दूसरों के अगर नहीं नहीं ना, अगर नहीं नहीं सुनना, अगर मैं भी सवाल का जवाब सुने ना, आपने दूसरों के धर्म में उंगल दी, मैंने आपके धर्म में बांह दे दी, चप्पा ही दे दिया पूरा। अब आप बताओ क्या मसला इस चीज में? मेरा नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित है। तो फिर मुझे बताना, तू इधर इस्लाम की डिफेंड करने क्यों आया है? अरे पर मुझे इतना बोलना, तुम ये क्यों कर रहे हो उसको, बदनाम क्यों कर रहे हो तुम इस्लाम को? हमारे रिपीट क्यों कर रहे हो पागल बच्चों की तरह? तुम्हें जवाब दिया ना, इस्लाम ने उंगल दिया ना दूसरे धर्मों में, मैंने बांध दे दिए। तो उससे तुझे क्या जाता है भाई, तेरा क्या जा रहा है? आरएसएस तेरे को फंड कर रहा है क्या? तेरे को बीजेपी फंड कर रहा है क्या तेरे को? मैं तो हिंदुइज्म नहीं बता रहा यहाँ पे। तो हिंदू का बोलना, फिर हिंदू का भी बोलना कि राम ने 50 साल में उम्र में 3 साल के रिश्ते से शादी क्यों की? पर बोल की थी 50 साल की उम्र में 3 साल से, साबित कर, दिखा, अभी दिखा स्क्रीन पे। मैं किधर से दिखा मेरे पास ये नहीं, पीसी नहीं मेरे पास। फिर तो झूठ बोल रहे ना साले। ये लोग हमेशा दूसरे के मजहब में उंगली करते हैं, जबकि खुद के दीन के विषय में इनको अम्ब का भी नहीं पता होता है। कैसे क्या झूठ बोल रहा है तू? ये ओपन करना राजू है, अगर राजू तो ओपन कर। सुन सुन सुन, अगर मैं तुझे अभी दिखाऊं कि तू झूठा है और मैं तुम मैं उन ठीक है वो छोड़, ठीक है वो साले, साले एक सेकंड वो छोड़ूं क्यों? अब मैं छोड़ूं क्यों साले? यहाँ पे मैं तुझे खत्म करता हूँ ना। अगर मैं अभी दिखाऊं कि राम उस वक्त 50 साल का नहीं था, नंबर वन, नंबर टू मैं तुझे ये भी साबित कर दूं कि उसने उस वक्त सेक्स नहीं किया था, तो क्या करेगा साले? तू वो छोड़ना, तू इतना बता, एक ऐसा मैं तुझे ये दिखा दूंगा, लेकिन मैं तुझे ये दिखा दूंगा कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में 53 साल का होके 9 साल की उम्र की बच्ची के साथ सेक्स किया। तुम लोग धर्म, अरे उस टाइम जो लड़कियां थे ना, नहीं नहीं उस टाइम जो तुम लोग अपने रिलीजन में रह के दूसरों के रिलीजन में जब उंगल देते हो और फिर कहते हो कोई आगे से चपा भी ना दे, अबे तुम्हें पता नहीं है, तुम उंगल दोगे मैं बांध दे दूंगा और नीचे से देके मुंह से निकालूंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब बोल, चोर होते थे इतना पता है कि तुझे? थोड़ा साइंस पता है क्या? तू बोली जाता है, तुम यूर था साले, तुझे साइंस पता है क्या भाई? हाँ उस टाइम जो लड़की थे वो जल्दी में चोर हुआ करते थे। अच्छा उस टाइम पे लड़की जल्दी में चोर होता था। मुझे ये बता, मोहम्मद के अलावा उस जमाने में किसी ने भी 50 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी किया था? तो तुझे पता है कि तू था कि उधर बड़वे देखने को
कुत्ती माँ के बच्चे नौ नौ मर्दों की पैदाइश भैंड शोध अगर वहां पे हिस्ट्री में हमें बता रही है कि जिस भी ऐसे बंदे ने किया तूने भड़वा कहा है मैंने कहा ना तू उंगल देगा मैं बांधूंगा साले तुझे पता नहीं है मेरा बार बार बोल रहा हूँ तू उंगल देगा मैं बांधूंगा चप्पा दूंगा फाड़ के रख दूंगा तो लिहाजा मुझे ना कहे कि मैंने बदतमीजी किया है इज्जत से बात करेगा इज्जत लेगा बदतमीजी करेगा बांध लेगा जितने लोगों ने बड़ी उम्र के मर्दों ने इस तरह छोटी उम्र के लड़कियों के साथ शादी किया या रेप किया या सेक्स किया हम उनको पीडोफाइल कहते हैं हम उनको थूकते हैं उनको जलीलो ख्वार करते हैं और हम कहते हैं गलत है तुम भी कह दो मोहम्मद ने गलत किया मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म कह दो तुम तो मुसलमान नहीं, पहले इतना नहीं तू पहले इतना सुनना तू पहले इतना सुन एक ऐसा मजहब जिसने मैच इंट्रोड्यूस किया जीरो इन्वेंट किया प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट किया वो ऐसा मतलब गलत कैसे हो सकता है इस्लाम ने प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट किया ओके किस हदीस में किस कुरान की आयत में प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट गूगल में सर्च कर हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कौन आता है नबी मोहम्मद का नाम आता है अबे साले मैंने ये नहीं पूछा अभी पहले प्लास्टिक सर्जरी तो दिखा दे ये आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है इस्लाम का कीड़ा इसके दिमाग को खा चुका है प्लास्टिक सर्जरी हो गया जीरो हो गया इस्लामिक बंदे ने ओके जी सारे लोग सुने जीरो आर्यभट्ट ने किया था आर्यभट्ट जीरो प्लास्टिक यार एक सेकंड प्लास्टिक सर्जरी हो गया जीरो क्योंकि ये कुरान और हदीस से नहीं साबित कर सकते वंस अगेन हम देख रहे हैं इनके रिलीजन ने क्या दिया हम ये नहीं देख रहे हैं कि किसी शख्स ने क्या दिया ओके वापस आते हैं हाँ भाई अगला सवाल ला अगला मुद्दा ला दो मुद्दे तेरे उठा दिए मैंने फाड़ दिए अगला मुद्दा दे तीसरा कौन सा मुद्दा उठा रही है तूने इतना बता ना कि ऐसा एक जो मतलब जिसने मैथ्स इंट्रोड्यूस किया मैथ्स इंट्रोड्यूस किया मैथ्स जीरो आर्यभट्ट का इजाद किया हुआ आर्यभट्ट का इजाद किया हुआ जीरो सर्च कर गूगल में सर्च कर अंधे अंधे सर्च कर ओह माय गॉडनेस यार भाई लोगों प्लीज यार मैं बात कर रहा हूं ना यार प्लीज लेट मी डील विद दिस इडियट मुसला है वो आप लोग रिलैक्स हो जाओ तेरा बाप इडियट हां भाई आगे तेरा बाप इडियट नहीं मेरा बाप इडियट नहीं था मैं बता रहा हूं दोबारा आपको जिन 10 मर्दों ने आपकी मां के साथ किया था और फिर उसके बाद आप पैदा हुए थे निकाहुल अलरथ जिसकी वजह से आप पैदा हुए थे वो 10 के 10 इडियट थे रादर उसमें से 3 जो थे मेरे ख्याल में वो बंदर थे देवर मंकीज लिटरली चिपेंजीज थे वो असल में क्योंकि आपकी माँ जो है ना आपको कंसीव नहीं कर सक रही थी मर्दों से तो उन्होंने कहा कि यार इस दफा मैं 10 मर्द लेने की बजाय 7 मर्द लेती हूँ और 3 चिपेंजीज लेती हूँ तो वो जो चिपेंजीज थे ना उनकी वजह से आप पैदा हुए हैं तो लिहाजा आप इस चीज पे ना करें मैंने आपको बार बार कहा है टॉक नाइसली अदरवाइज मेरी तरफ से चप्पा ही आएगा हाँ जी दोबारा से वापस आते तमीज तरीके से बात कीजिए और अपना पॉइंट रखिए रेफरेंस के साथ नहीं तो भी गेम खराब होगी तू सामने होता ना तेरा सर कलम कर देता तू अभी जितना बकना है ना ओके आपने कल सर कलम कैसे करना था हाथ से करना था ना जिस हाथ को आपने उठाना था वो हाथ ही मैंने तोड़ देना था और फिर उसको तोड़ के ना मैंने उसे कीमा बनाने वाली मशीन में डाल देना था और आपकी हड्डियों का भी हाथ का कीमा निकला था जिससे आप तोड़ने सर कलम करने की कोशिश करते हैं आपको मेरा पता नहीं है अरे ना लोड़ी कितनी धार है ना उससे करता था अच्छा लोड़े से करते आपका लोढ़ा पकड़ के ना मैंने उसको थोड़ी से पीस पीस के ना पीस पीस के उसका सुरमा बना के ना आपकी वालदा की आंखों में लगा देना था ये आपका ख्याल है मैंने आपको कहा आप ऐसे ना करें मेरी जान आगे चल तुम म्यूट क्यों कर रहे हैं रे बड़वे म्यूट क्यों कर रहे हैं सुन ना म्यूट क्यों कर रहे हैं पॉइंट दे साले इस्लाम को साबित करने का पॉइंट दे इस्लाम को साबित क्यों करूं मैं बोल रहा हूं तुम ये जो शिर्क कर रहे हो ना वो बंद करो ना इतने 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं इस्लाम को करने दो शिर्क हमें तुझे क्या मसला है कर रहे हो क्यों ना तुम इतने लोग को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो तुझे क्या मसला है तेरी बुंड में क्यों मार लग रही है नहीं नहीं वो मैं तेरी आके चोता हूँ माँ जाके पूछ अपनी माँ से चुट चुकी है बहुत दफा मेरे हाथों इन लोगों को कोई भी लाख समझाने की कोशिश कर ले इनके दिमाग से नफरत का कीड़ा कोई नहीं निकाल सकता अच्छा एडम इसको अगर इस्लाम इतना पसंद है भाई को तो ये इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता फिर ये अपना एफिलिएशन जो है वो हिंदुइज्म से क्यों रख रहा है फिर नहीं नहीं मैं ये असल में ये मुसलमान ही है लेट मी टेल यू
नुमान अहमद साहब आए। नुमान अहमद साहब आपका इस्तकबाल है जी। आपने एक्स मुस्लिम लिखा, इसका मतलब क्या है भाई? मेरे साथ तो नहीं लिखा हुआ, किसने क्या लिखा हुआ? आप मेरा नाम पढ़े क्या? नहीं, अदा एक्स मुस्लिम, अदा एक्स मुस्लिम शमीम। उसका मर्जी, आपका नाम किसने लिखा मैं पूछ रहा हूँ, आपकी वालिद ने या आपके वालदा ने? भाई मेरे वालिद ने रखा है, बताओ। मुझसे पूछ के रखा था सर। चलो कोई बात नहीं यार, पूछ ले, गलती हो गई। चलो पूछ लेना सर, पूछ ले, बता दे पहले, सबको पता लग जाए ना सर कि उन्होंने मुझसे नहीं ना पूछा था। तो भाई इसी तरह हम आपसे पूछ के अपने नाम को जो मर्जी रखे, या हमारी मर्जी हम जो मर्जी रख ले, चले गए। वो मेरा नाम पता करने आए थे। इस क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, वो खत्म हो गया, वो भूल गए। या मेरे लाला जी बोलते हैं ना, सब भूल जाते हैं। ये देखो पिक पिक पिकोलो कह रहे हैं ये खौफ हमें अच्छा लगा है। ओह माय गॉडनेस। हेलो हेलो जी, हाँ बोलिए। अरे आदम भाई, मेरे को ये पूछना है कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है। आप मुसलमान हैं? मैं मुसलमान नहीं हूँ, पर मेरा गर्लफ्रेंड को एक मुसलमान लड़का कब से मतलब अप्रोच कर रहा है। मैं हिंदू हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड को एक मुसलमान, एक सेकंड, एक सेकंड, ये दिस इज ये बहुत गेम खराब हो गई। आप मुसलमान नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड मुसलमान नहीं है, एक और लड़का जो मुसलमान है वो आपकी गर्लफ्रेंड को कैसे अप्रोच कर सकता है? मतलब he is proposing from many long time, तो वो कंफ्यूज है कि मतलब कौन सा लड़का सिलेक्ट कर रहा है। यार ये कैसी गर्लफ्रेंड है भाई? मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। जस्ट मैंने उसकी उसको इसलिए स्ट्रीम में मतलब ज्वाइन किया कि उसको कंफ्यूजन ना रहे कि हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़के में कितना फर्क होता है। नहीं लेकिन वो गर्लफ्रेंड आपकी है कि नहीं? आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो मैं बहुत है यार, गर्लफ्रेंड है बहुत दिल से, तो अभी तो 11 बजे तक 12 बजे तक मेरे साथ है। 12 तो नहीं, सवा एक बज रहे भाई। हाँ हाँ, एक बजे पाकिस्तान कोई और टाइम होगा, मुझे पता नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड को मुसलमान लड़का पसंद है? नहीं नहीं, पसंद नहीं है, जस्ट एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं, जस्ट कि हिंदू और मुसलमान में कितना फर्क होता है। वो तो सवाल ही नहीं उठता ना, जब आपका आपकी वो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो आप उसको चाहे मुसलमान लड़का अप्रोच करे या हिंदू लड़का अप्रोच करे, चाहे ईसाई लड़का अप्रोच करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो उसके बारे में सोचेगी क्यों यार? हैली भाई, हाँ, अगर आपका वो जो बंदा जो दूसरा उसको अप्रोच कर रहा है, एक और हिंदू अप्रोच कर रहा है, तो आप किसी हिंदू मौलवी के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि भाई इसको समझाओ कि हिंदू में और मेरे में क्या फर्क है? मतलब आप लोगों के हिसाब से क्या फर्क होना चाहिए? नहीं आपको समझ नहीं लग रही है हमारी बार बार। अरे हम तो यार, हम तो क्या है कि राम भगवान के मानने वाले है कि एक के साथ जिए एक के साथ मरे, जब तक जिए एक के साथ जिए। गर्लफ्रेंड जो है वो क्यों दूसरे के साथ देख रही है, दूसरे के साथ देख क्यों रह ली है? अरे वो अप्रोच बहुत कर रहा है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बिल्डर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तुमको कभी ऐसे नहीं होने दूंगा। पैसा जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। ये आदमी क्या जानना चाहता है, इस स्ट्रीम में क्या करने आया है, इसका क्या मकसद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा पैसा जीत जाएगा, सीज क्रिश्चियन, हाँ ट्राई टू वेरी केयरफुली टॉक अबाउट दैट, बिकॉज़ जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं ना, दे आर वेरी डैम क्रिश्चियन। सो व्हाट, पैसा जीत जाएगा भाई, पैसा अक्सर जीत जाता है। आदम भाई आप भी क्रिश्चियन है यार, थोड़ा तो दिन से बोलो यार, वो तो क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ पैसा जीत जाएगा। पैसा जीत जाएगा? हाँ नहीं ऐसा नहीं है यार, आप हिंदू थे अभी आप क्रिश्चियन भी बन गए, क्या बन रहे हो यार आप, क्या क्या बन रहे हो? अरे मैं तो हिंदू हूँ, क्रिश्चियन बनते हो समझो, हिंदू को तो क्रिश्चियन भी बन सकता है, हिंदू कुछ भी बन सकता है। ये कितनी गलत बात हो गई भाई, हिंदू कुछ भी बनते थे तो फिर दो नंबर बात हो गई, इतने लोग 4000 लोग देख रहे हैं। हेलो भाई, 4000 लोग को हिंदू कुछ भी बन सकता है? 4500। देखो आदम भाई, आप है ना, आप का नहीं नहीं नहीं, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग, लेट मी क्लियर दिस थिंग। मुस्लिम जो होता है ना, वो मुस्लिम एक एक को मानने वाला होता है, हिंदू तो हर किसी को रिस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी बात नहीं। उसमें क्या होता है, जीसस का ये मान लेगा, मोहम्मद को भी मान लेगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, क्यों नहीं होता? हाँ हाँ हाँ,
ایم ہی ہوتا ہے محمد کو بھی مان لے گا, کیوں مان لے گا, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ دیکھو سارے لوگ نو نو کہہ رہے ہیں, رسپیکٹ کی دینا ہے نا, اور کیا جان تھوڑی ڈال دینا ہے اس میں, کیا پھر وہی بات. ارے بھائی ہیلو, پیسہ جو ہے پیسہ کچھ لوگوں کے لیے پیسہ بھگوان ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں سمجھ لگ رہی ہے, میں سمپل بات کر رہا ہوں, چھوڑو اس بات کو, سنو جو میں کہنے لگا سنو. کچھ لوگوں کے لیے پیسہ بھگوان ہوتا ہے, ان کا نہ دھرم ہوتا ہے نہ دین ہوتا ہے, ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب اگر آپ کی گرل فرینڈ کو اس نے کوئی ایکسپلیسٹلی بات بتائی ہے جس کے اوپر اس کا دل موم ہو گیا ہے اس دین کی طرف, تو وہ ویری کلیئر نا. ایک منٹ ادھم بھائی, ویری کلیئر, اس کو تو میں ہی چاہیے, بٹ جس میں یہ اسٹریم میں اس لیے اس کو جوائن کیا جس میں بتا سکوں کہ ہندی اور مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے. بھائی زمین آسمان کا فرق ہے, میں کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں؟ ایک سینٹنس میں بول سکو تو جس اس کو سمجھا دو کہ ہندو اور مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کبھی دوست بھی نہیں رہ سکتے. قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کبھی کسی دوسرے دھرم کے بندے کے ساتھ دوست بھی نہیں رہ سکتا. اور اگر اس نے کبھی بھی مسلمان بندے کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اس کو پہلے مسلمان ہونا پڑے گا, اسلام دھرم قبول کرنا پڑے گا. تیسری بات, جب وہ اسلام قبول کر لے گی اور اس بندے کے گھر میں جائے گی, ٹھیک ہے, تو اس کے خاندان والے ہمیشہ کہیں گے کہ تمہارے ماں باپ جہنمی ہیں, ساری عمر اپنے ماں باپ. ارے وہ جہنم میں نہیں سمجھتے, نارتھ ایسٹ ہے نا انڈیا میں, تو چائنیز جیسے لوگ رہتے ہو پتہ ہے, وہ چینی جیسے لوگ آگ میں سڑیں گے, آگ میں سڑیں گے. آپ نے انڈیا نہیں دیکھا ہے, دیکھو ایڈم بھائی, آپ نے انڈیا نہیں دیکھا, یہ انڈیا میں یہ چینی جیسے لوگ جو ہے نا, چائنیز جیسے دیکھتے ہیں, وہ ویسی ہے. دیٹس اوکے, اٹ ڈزنٹ میٹر, آگ میں سڑیں گے, سمجھ آتی ہے؟ نہیں سمجھ سکتا وہ لوگ, تھوڑا انگلش میں سمجھ سکتے. اب اس کا ہاتھ نہیں ہے نا, چولہے میں رکھ دینا پتہ لگ جائے گا آگ میں جلنا کیسے. چولہا بھی نہیں سمجھتے یار ساحل, ایڈم بھائی ایسے سمجھتا ہے. تو کس کام کا بوائے فرینڈ ہے میرے بھائی, تو سمجھا دے. میں ہوں گجراتی چھو. ساحل آگے چلے. تو دیکھا دوستو, یہی ہے اصلی اسلام. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں, ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلام کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اسلامی کل سے بچیں, اپنا خیال رکھیں. جے ہند, وندے ماترم.